में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। तो आज मैं पनीर चिली बनाने जा रही हूँ। इसका इंग्रेडिएंट इस प्रकार से है दोस्तों, तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो पनीर चिली बनाने के लिए मैं दो ठाम मीडियम साइज का प्याज को इस तरह से क्यूब में काट ली हूँ, देख सकते हैं सबको इस तरह से क्यूब में काट करके अलग छिलका कर ली हूँ। दो ठो टमाटर ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो दो तीन टमाटर मैंने काट ली हूँ, इसको भी स्क्वायर में ही मैं काट ली हूँ इस टाइप से। और ये 300 ग्राम अढ़ाई 300 ग्राम जितना पनीर है। और ये आपको दो ठो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम जिसको बोलता है हम लोग यहाँ। तो दूसरा हम लोग तो बताइए नहीं कि छोटा सिटी में रहते हैं, तो हम लोग यहाँ लाल और येलो नहीं मिलता है, तो सिर्फ ग्रीन ही कैप्सिकम है। और ये थोड़ा सा धनिया है चॉप करके, लहसुन है दो ठो साबुत, दो लहसुन को मैंने चॉप कर ली हूँ, 1 इंच अदरक टुकड़ा है। और ये दो ठो हरा मिर्च है, 2 से 3 ठो इसको मैं स्लाइस में मैं काट ली हूँ। और इधर हो गया आपको ये कॉर्नफ्लोर है, उसके बाद ये मैदा है 2 चम्मच जितना, इस चम्मच से कॉर्नफ्लोर है और मैदा है 1.5 चम्मच जितना पड़ेगा उतना दूंगी। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे आपको कलर आएगा और तीखा नहीं होगा। ये नमक है और ब्लैक पेपर है। तो और ये विनेगर है, ये सोया सॉस है, और ये केचप है। और मेरे पास चिली सॉस अभी नहीं है, जो है उसी समय बना कर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अब मैं एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ और उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं पनीर मिक्सिंग बाउल में एक ले ली हूँ और ये पनीर को मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको देख सकते हैं इस तरह क्यूब में मैं मोटा मोटा काट ली हूँ। तो मैं पनीर को डाल रही हूँ, पनीर डालने के बाद ये मैदा है 1 चम्मच, मैदा को भी इस पर ये कॉर्नफ्लोर है तो 2 चम्मच जितना मैं कॉर्नफ्लोर को भी इस पर डाल दी हूँ। ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और तीखा भी नहीं आएगा। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर है, ये भी थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ। और नमक है, नमक हिसाब से दीजिएगा, पनीर में नमक कम पड़ता है और सॉस सब में भी नमक है, तो इसलिए नमक फिर पीछे से ही पड़ेगा प्याज में। तो नमक मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, सबको मैं मिला देती हूँ थोड़ा देर के लिए। 1 चम्मच मैं इसमें केचप भी डाल देती हूँ, इससे कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा मैं 1 चम्मच जितना मैं इस पर केचप भी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं ही डाल देती हूँ। सारे चीज़ को मैं अच्छा से मिक्स कर देती हूँ कि जितने कॉर्नफ्लोर और मैदा है इस पर कोट हो जाए। ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच जितना पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, चम्मच से 1 चम्मच ही डालिएगा। इसमें नमक है तो थोड़ा देर मेरीनेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा तो अपने आप इस पर आ जाएगा पानी से मिक्स हो जाएगा सब, इस पर अच्छा से कोट हो जाना चाहिए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सब पर कोट हो चुका है। अब मैं थोड़ा देर 5-7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, अब फिर मैं गैस तरफ चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं सारे कला गर्म तेल में से धुआं निकल रहा है, अब मैं सबको इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से हैंड से भी डाल सकते हैं इसे, इसको आप डीप फ्राई कीजिए, सेलो फ्राई कीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारे को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें सारे को पलट दूँ, जो फ्राई हो चुका है। और इधर जो मैदा तो मैं डाल दी थी, अब जो ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें जो कॉर्नफ्लोर है, ये थोड़ा ब्लैक पेपर है, मिर्च है, सबको मैं थोड़ा सा घोल लेती हूँ पानी डाल करके। नमक हमको ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा नमक मैं कम करती हूँ। इस सबको इस तरह से मैं ये डीप फ्राई हो चुका है, मैं निकाल लेती हूँ सारे को। और निकालने के बाद मैं दूसरा सिप डाल दूँगी, कितना सुंदर हुआ है, कितना क्रंची हुआ है देख सकते हैं आप लोग, कलर भी अच्छा आया है। इस तरह से मैं सारे को निकाल लूँ और
अब मैं दूसरा शिफ्ट है सो डाल देती हूँ। जहाँ पनीर का काम होगा कि अगर भैंस बढ़ जाएगा किचन में, पनीर मांग रहा है खाने के लिए, और मीठा चीज बनाए, लड्डू मिठाई बनाए और पनीर का कोई चीज बनाए तो वो आ जाएगा किचन में। तो इस तरह से मैं सारे पनीर को कट कर चुकी हूँ। देखे ना, लगता है कि कोई आ गया खाने के लिए। इस तरह से मैं सारे पनीर को निकाल लेती हूँ। सब डीप फ्राई हो चुका है, आप लोग सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे भी बना सकते हैं। कैप्सिकम को भी थोड़ा सा फ्राई करके निकाल देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तेल में फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे चीज को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। हल्का ही करूंगी जिससे इसमें क्रंच बना ही रहेगा। जब ये थोड़ा सा हो जाए तो मैं इसमें प्याज भी डाल देती हूँ। थोड़ा ही एक दो एक मिनट में ही हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, तेल गर्म है। और मैं प्याज को भी डाल देती हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करके एक दो मिनट में मैं निकाल लूँगी। एक मिनट में ये दोनों को मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद। अब मैं एक मिनट जितना हो गया है, अब मैं इसको भी देख सकते हैं पक चुका है। मैं ज़्यादा नहीं गलाई हूँ, थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से सारे को निकाल लेती हूँ इसी नैपकिन पर। तेल थोड़ा सा इसमें डाला है तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। तो इसको तेल में थोड़ा सा दूसरा कटोरा में निकाल लेती हूँ, फिर सेम पैन में चढ़ा दी हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा ये अदरक है और ये लहसुन है, तो मैं इसको मैं अदरक को थोड़ा सा डाल देती हूँ। अदरक डालने के बाद थोड़ा सा लहसुन है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा एक दो मिनट थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। तो मैं इसमें अब देख सकते हो चुका है। अब मैं ये टमाटर, जो टमाटर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, अदरक लहसुन मिलाना चाहिए, टमाटर डाल रही हूँ। जब ये टमाटर पक जाए, टमाटर जिस तरह से पकने को है, तो अब मैं इसमें ये ग्रीन चिल्ली को मैं काटती हूँ, उसको डाल देती हूँ। सारे ग्रीन चिल्ली को मैं इसमें अब डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं अब ये जो बचा हुआ था कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक, इसका मैं पेस्ट बना ली हूँ। और इसमें मैं आपको दो चम्मच जितना मैं सरसों भी मैं इसे मिला देती हूँ, एक चम्मच, और एक चम्मच और मैं मिला देती हूँ। सबका मैं पेस्ट भी बना लेती हूँ। ये विनेगर है, एक चम्मच मैं विनेगर डाल देती हूँ। सिरका एक चम्मच मैं विनेगर सिरका भी डाल दी हूँ।
ये मैं इसका असर देख लेती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब मैं ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अगर लिक्विड बनाइएगा तो थोड़ा सा पड़ेगा पानी, लेकिन मैं ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं अब मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा। एक चम्मच मैं और डाल देती हूँ और इसके बाद मैं और मैं ये सारे को मिला ली हूँ। अब ये प्याज टमाटर और ये पनीर जो है सारे को मैं डाल देती हूँ। इस तरह से आप लोग भी पनीर चिली बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। सॉस दो चम्मच जितना मैं सॉस डालूंगी। केचप है तो केचप से ही कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आता है। तो मैं एक चम्मच पहले मैं डाली थी, दो चम्मच मैं अभी डाली हूँ। और इस तरह से नमक तो मैं मैरिनेट में भी थोड़ा सा डाली थी और थोड़ा सा पानी जो घोल जो बनाई हूँ उसमें भी मैं नमक डाली थी। थोड़ा सा नमक मैं अब आवश्यकता के अनुसार लगता है मेरे को और थोड़ा सा पड़ेगा। थोड़ा सा नमक मैं और डाल देती हूँ। अब मैं ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अगर लिक्विड बनाइएगा तो थोड़ा सा पड़ेगा पानी, लेकिन मैं ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं और मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डाल देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा। एक चम्मच मैं और डाल देती हूँ और इसके बाद मैं और मैं ये सारे को मिला ली हूँ। अब ये प्याज टमाटर और ये पनीर जो है सारे को मैं डाल देती हूँ। इस तरह से आप लोग भी पनीर चिली बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। मैं सॉस दो चम्मच जितना मैं सॉस डालूंगी। केचप है तो केचप से ही कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आता है। तो मैं एक चम्मच पहले मैं डाली थी, दो चम्मच मैं अभी डाली हूँ। और इस तरह से नमक तो मैं मैरिनेट में भी थोड़ा सा डाली थी और थोड़ा सा पानी जो घोल जो बनाई हूँ उसमें भी मैं नमक डाली थी। थोड़ा सा नमक मैं और आवश्यकता के अनुसार लगता है मेरे को और थोड़ा सा पड़ेगा। थोड़ा सा नमक मैं और डाल देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर बना है, ये बन करके रेडी है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का लग रहा है ये पनीर चिली, देख सकते हैं। तो ये पनीर चिली बन चुका है दोस्तों, इस तरह से आप लोग बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बना है। और हरी धनिया से मैं गार्निश कर दी हूँ। और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। तो पनीर चिली बन करके रेडी है दोस्तों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों मेरा वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इस तरह की नए नए रेसिपी मैं लेकर आप लोगों के सामने मैं जरूर दिखाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।